हेलो दोस्तों, मैं अक्षता आपकी एजुकेटर आप सभी का स्वागत करती हूँ ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। प्रॉफिट एंड लॉस आज के इस लेक्चर में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम द रीजनिंग सेक्शन। ओके, सो जैसे कि आपको पता है यूजीसी नेट 2024 प्रेपर एंड प्रेपरेशन के लिए आपके लिए कंप्लीट सीरीज़ हम लेकर आए हैं, जिसके अंदर पूरा सिलेबस हम कवर अप करेंगे। इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा कवर करवाऊंगी आपका। दिस इज़ द सेशन नंबर वन। अलॉन्ग विद दिस स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना हो तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा कॉन्टैक्ट करें। इस कोर्स के अंदर आपको फुल सिलेबस की वीडियो लेक्चर्स, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे, फुल सिलेबस नोट्स जो कि आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन के द्वारा, फुल सिलेबस की मॉक टेस्ट एंड 5000 प्लस एमसीक्यू का एक क्वेश्चन बैंक। लाइव लेक्चर्स कंडक्ट किए जाएंगे हिंदी एज वेल एज इन दी इंग्लिश लैंग्वेज। नई बैच स्टार्ट होने वाली है 6 जून 2024, तो ज़रूर इस बैच को एनरोल कीजिएगा। 2400 रुपीज़ में आप ये कंप्लीट कोर्स जो है एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्री वीडियोस एक्सेस करने के लिए एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, ओपन करें, कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा। इसके अंदर स्टोर नाम के आइकन के ऊपर क्लिक करना है। बाद में माय कोर्सेस में आपको कोर्स को यहाँ पे सर्च करना है। कोर्स ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का ओवरव्यू मिलेगा। कॉन्टेंट सेक्शन में आपको यहाँ पे फ्री डेमो वीडियोज़ के फोल्डर्स जो है वो मिल जाएंगे, सो यू कैन एक्सेस ऑल द फ्री वीडियोज़ फ्रॉम हियर। सो स्टार्टिंग अप विथ व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर रिक्वायर्ड, क्या क्या चीज़ें हमको यहाँ पे ध्यान में रखनी है जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व करते हैं, इंक्लूडिंग द फॉर्मूलाज। ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड फर्स्ट, बाद में हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक के अंदर। पहला इंपॉर्टेंट टर्म है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस होता क्या है देख लेना। जिस भी प्राइस के अंदर आप कोई वस्तु या फिर सिंपल एक ऑब्जेक्ट जो है परचेस कर रहे हो, उस कीमत को, उस प्राइस को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। या फिर सिंपली ऐसा बोल दो, कोई भी वस्तु परचेस करने के लिए, कोई भी आर्टिकल परचेस करने के लिए जो भी आप प्राइस अपने पॉकेट से दे रहे हो, द मनी जो पॉकेट से जा रहा है उसको बोला जाता है कॉस्ट प्राइस। पॉकेट में से पैसा बाहर जाना इज़ द कॉस्ट प्राइस। ओके, सो आर्टिकल जब भी परचेस करोगे तब उसका रेट जितना भी आप दे रहे हो उसको बोला जाता है कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब क्या, सेलिंग प्राइस वर्ड से ही हमें पता चलता है। सेलिंग प्राइस मतलब ऐसा प्राइस जिसके ऊपर आर्टिकल को सोल्ड किया जाता है। प्राइस एट विच आर्टिकल इज सोल्ड, कीमत जिसके ऊपर आर्टिकल को बेचा जा रहा है उस कीमत को बोला जाता है सेलिंग प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर ने एक टी शर्ट बेचना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। काइंड ऑफ टी शर्ट है और टी शर्ट के ऊपर लिखा है 100 रुपये, कि 100 रुपये का ये टी शर्ट है, ठीक है। सो आप क्या करोगे, ऑब्वियसली बार्गेन करोगे, ठीक है। बार्गेन करने के बाद ये 100 रुपये का टी शर्ट वो दुकानदार बोलता है कि चलो मैं आपके लिए 90 रुपये में कर देता हूँ। सो अभी ये जो 90 रुपये और ये 100 रुपये, ये दोनों में कीमत है, डिफरेंस है। देखना यहाँ पे जो 100 रुपये उसने वहाँ पे टैग लगाया है, दैट इज़ योर MRP, मार्क्ड प्राइस बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है, मार्क्ड प्राइस बोला जाता है। एंड जिस प्राइस के ऊपर नेगोशिएट करके वो बेच रहा है, जैसे कि वो 90 रुपये पे बेच रहा है, तो ये हो गई उस शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस, ये हो गई सेलिंग प्राइस। सो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस में ये अंतर है, ये डिफरेंस है, समझ लो। कि जो मार्क किया हुआ प्राइस है, ऐसा नेसेसरी नहीं कि उसी प्राइस के ऊपर वो बेचे। शायद वो बढ़ा के भाई बेच सकता है या फिर घटा के भी बेच सकता है, शायद उसको 120 रुपये में भी बेच सकता है, ठीक है। सो मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के अंदर ये डिफरेंस है, ठीक है। सो द प्राइस एट विच एक्चुअली द आर्टिकल इज सोल्ड उसको बोला जाता है सेलिंग प्राइस, और जिस कीमत में आप ले रहे हो उस आर्टिकल को उसको बोला जाता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म आता है प्रॉफिट का। प्रॉफिट मतलब क्या, नफा, ठीक है, नफा बोला जाता है इसको। मतलब प्रॉफिट यानि जहां पे आपका फायदा हो रहा हो, सिंपली फायदा अगर बोला जाए, मतलब आपके पॉकेट से कम पैसा जा रहा हो, आपके पॉकेट से कम पैसा जा रहा हो। अगर आप एक वस्तु खरीद रहे हैं तब ये मतलब आप बोल सकते हो यहाँ पे एप्लीकेबल है। बट अगर आप कोई दुकानदार हो तो आपके लिए नफ़ा या फिर प्रॉफिट कब हो सकता है, फ़ायदा कब हो सकता है, जब आपकी सेलिंग प्राइस, मतलब आप जिस
प्राइस के ऊपर वस्तु को बेच रहे हो वो ज्यादा हो कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द सिनेरियो इन केस ऑफ प्रॉफिट. सो प्रॉफिट हमेशा जो है दुकानदार के पर्सपेक्टिव से देखना है, जहां पे हम जो वस्तु बेच रहे हैं वो ज्यादा कीमत पे जा रही है. ओके, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द कॉस्ट प्राइस, उसको बोला जाता है प्रॉफिट या फिर गेन. ठीक है, चलते हैं लॉस की ओर कि लॉस कितना रहेगा. ठीक है, लॉस मतलब इसका कंप्लीटली उल्टा दोस्तों, जहां पे कॉस्ट प्राइस ज्यादा है कंपेयर टू द सेलिंग प्राइस. कॉस्ट प्राइस ज्यादा है कंपेयर टू द सेलिंग प्राइस. ठीक है, सो खुद को यहाँ पे कंसिडर करो एक दुकानदार, ठीक है, एक शॉपकीपर, और ये चीज़ें अप्लाई करके देखो कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वाटर बॉटल है, ये वाटर बॉटल अगर मैं बेचने के लिए निकलूँ बाहर तो ठीक है, ये जो बॉटल है मेरे पास, ये बॉटल बेचने के लिए मैंने यहाँ पे एक्चुअली तो मैंने ये 60 रुपये में ही लाइक खरीदी करी है इस बॉटल की. ठीक है, 60 रुपीज़ मैंने इसको क्या किया है, बाय खुद के लिए. अभी मैं मेरे दुकान में बहुत सारे बॉटल्स लेके बेचना इसको स्टार्ट कर दिया है, और इंस्टेड ऑफ 60 अभी ये तो मेरा खुद का सेलिंग प्राइस हो गया ना, सॉरी कॉस्ट प्राइस हो गया ना, एज अ दुकानदार ये मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया. बट जब बाहर से कोई व्यक्ति आता है इस बॉटल को खरीदने के लिए, तो मैंने इस बॉटल के ऊपर लिखा है 100 रुपीज़, मैंने इस बॉटल के ऊपर लिखा है 100 रुपीज़, मिले मुझे कितने में, 60 रुपीज़ में. बट ये आदमी आने के बाद बोलता है कि भैया ये बहुत ज़्यादा कीमत लग रही है, मुझे कुछ कम कर दो प्राइस इसके ऊपर. तो आप क्या करोगे, चलो आपके लिए मैं इसको करती हूँ 90 रुपीज़. ठीक है, 90 रुपीज़ में मैंने ये बॉटल बेच दी. अभी मेरे लिए ये सेलिंग प्राइस कितनी हो गई दोस्तों, 90 रुपये. इस व्यक्ति के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 90 रुपये. बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो मैंने तो ये खुद 60 रुपीज़ में ख़रीदा था और मैंने बेचा कितने में, 30 रुपीज़ में, मतलब 90 रुपये में, मतलब मुझे यहाँ पे कितने का प्रॉफिट मिल रहा है, 30 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल रहा है. सो दिस एक्स्ट्रा का 30 रुपीज़ जो आपको मिल रहा है, इसको बोला जाता है प्रॉफिट. और इसको हम कैसे निकालेंगे, जिस प्राइस के ऊपर आप बॉटल को बेच रहे हो माइनस जिस प्राइस के ऊपर आपने बॉटल को खुद खरीदा है, उसका जो है आपको डिफरेंस लेना है. सो 90 माइनस जब मैं 60 करूँगी तो मुझे मिलेगा 30, और 30 क्या है, आपका प्रॉफिट है. सो दिस इज योर प्रॉफिट. बट अभी ये जो बॉटल मैंने 60 रुपीज़ में खुद के लिए खरीदी थी, फॉर एग्जाम्पल कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगा कि चलो यार बेच देते, जितना भी आया पैसा उतना मेरे लिए काफ़ी है, तो मैंने तो खुद के लिए 60 रुपीज़ में ख़रीदा था. अभी एक बंदा आता है और बोलता है कि यार मुझे यही बॉटल चाहिए बट 50 रुपये दूंगा मैं, इसके ऊपर कुछ भी नहीं दूंगा. तो आप एट द एंड ऑफ द डे, जैसे कि मैंने बोला, आपने बेच दी बॉटल और यहाँ पे आपने बेची है 50 रुपये में फॉर एग्जाम्पल, तो आपका तो लॉस हो गया ना. यहाँ पे आपने खुद 60 रुपीज़ में ख़रीदा था, बेच रहे हो 50 रुपीज़ में, मतलब 10 रुपये का लॉस हो रहा है. ये कैसे आपने ढूंढा, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करी. मेरी कॉस्ट प्राइस खुद के लिए 63, उसके अंदर से मैंने सेल कितने को किया, 50 को, सो मेरे पास कितने का लॉस हुआ है, 10 का लॉस हुआ है. सो दिस आर द फोर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो आपको क्वेश्चन के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है, सो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स बोल सकती हूँ मैं इसके अंदर, या फिर इंपॉर्टेंट टर्म्स. आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखते हैं. जैसे कि आपको पता होना चाहिए लॉस प्रतिशत या फिर लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, उसी के साथ साथ प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है. इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना. लॉस परसेंट होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100. प्लीज़ ये फॉर्मूला नोटबुक में लिख लो, ठीक है. और प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100. अभी डायरेक्टली कभी कभार क्वेश्चन के अंदर आपको कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस दी हुई रहती है, और वहाँ पे आपको पूछा जाता है कि प्रॉफिट परसेंटेज ढूंढ लो, तो आप इजीली ढूंढ सकते हो. उसका एग्जांपल मैं लूँगी आगे, ठीक है. तो फिलहाल के लिए ये दो फॉर्मूलाज लिख के लो. और एक चीज़, अगर आप इस फॉर्मूलाज को मतलब थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, तो प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज हो, दोनों भी हम कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही ढूंढते हैं, ठीक है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैंने बताई है कि प्रॉफिट परसेंट हो या फिर लॉस परसेंट हो, बोथ आर कैलकुलेटेड ऑन दी कॉस्ट प्राइस ओनली. उसको हम कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है.
तो अगर कॉस्ट प्राइज नहीं है आपके पास, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट ढूंढ नहीं सकते, ठीक है। बट हाँ, अगर प्रॉफिट है और सेलिंग प्राइस दिया है, तो आप कॉस्ट प्राइस ढूंढ के देन यू कैन गो फॉर द प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट। अगेन आगे चल के चीज़ें आपको थोड़ा सा ओपन अप हो जाएगी, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज थे दो, जो कि बहुत ही बेसिक फॉर्मूलेज है, बट क्वेश्चन के अंदर हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। अभी एक सिनेरियो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक शॉपकीपर हूँ, ठीक है, मैं एक शॉपकीपर हूँ और शॉपकीपर फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा प्रॉफिट ही अर्न कर रही हूँ, ठीक है, प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ। मैंने क्या लिया है सिनेरियो, देखना कि मैं खुद एक शॉपकीपर हूँ और मैं प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ, मतलब मेरा फ़ायदा हो रहा है। जब भी एक शॉपकीपर उसका फ़ायदा होता है और वहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि उसी शॉपकीपर के लिए कॉस्ट प्राइस ढूंढना है या फिर उसी शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस ढूंढना है, तो उसके लिए हम दो अलग अलग फॉर्मूलेज यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड द सिनेरियो कि शॉपकीपर है एंड ही इज़ अर्निंग दी प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो वहाँ पे कॉस्ट प्राइस ढूंढने के लिए बोला जाए या फिर सेलिंग प्राइस ढूंढने के लिए बोला जाए, तो आप ये दो फॉर्मूलाज का यूज़ करोगे। 100/100 प्लस गेन परसेंट इनटू सेलिंग प्राइस। सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द कॉस्ट प्राइस, कब, जब एक शॉपकीपर प्रॉफिट अर्न कर रहा हो। जब एक शॉपकीपर प्रॉफिट अर्न कर रहा हो और आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि सेलिंग प्राइस ढूंढ के बताओ, तो सेलिंग प्राइस क्या रहेगी, 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन 100 इनटू कॉस्ट प्राइस। दिस इज योर सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला, दिस इज योर कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला। कब की बात कर रही हूँ मैं, जब एक प्रॉफिट अर्न करने वाला शॉपकीपर आपके क्वेश्चन में मेंशन करा होगा। बट फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, अगर क्वेश्चन में ऐसा बताया जाए कि एक शॉपकीपर है बट वो इस बार ही लॉस फेस कर रहा, ही इज इनकरिंग द लॉस बोला जा सकता है, या फिर ही इज फेसिंग द लॉस, मतलब बेसिकली उसको जो है यहाँ पे तोटा हो रहा है, इसको तोटा बोला जाता है मराठी में, ठीक है, लॉस को बोला जाता है तोटा, या फिर सिंपली आप बोल सकते हो इसको कि आपका जो है घाटा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ढूंढने के लिए दो अगेन अलग अलग फॉर्मूलेज हैं। इन चारों फॉर्मूलेज में प्लीज़ कन्फ्यूजन ना करें। जो पहले दो फॉर्मूलेज मैंने बताए थे वो सिनेरियो कब का है, जब एक शॉपकीपर प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ये दो सिनेरियोस कब के हैं कि यहाँ पे जो मैंने अभी मेंशन करने वाली हूँ, जब एक शॉपकीपर लॉस फेस कर रहा हो तब कॉस्ट प्राइस कैसा ढूंढना है, सेलिंग प्राइस कैसे ढूंढना है, उसके लिए ये फॉर्मूला है। सो दिस इज 100/100 माइनस लॉस का परसेंटेज इनटू द सेलिंग प्राइस, और यहाँ पे अगर आपको सेलिंग प्राइस ढूंढनी है तो 100 माइनस ऑफ लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इनटू द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। प्लीज़ ये चारों भी फॉर्मूलाज का स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है, वीडियो पॉज करें और स्क्रीनशॉट ले ले, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आगे चल के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्विक यहाँ पे कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ मैं आपको, जैसे कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको समझनी चाहिए कि प्रॉफिट अगर चल रहा है, प्रॉफिट कोई अगर बंदा जो है फेस कर रहा है, तो सिंपली यहाँ पे देखना हमेशा उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा रहती है कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में, ठीक है। सेकेंड चीज़, अगर कोई बंदा लॉस फेस कर रहा हो तो वहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज़्यादा रहती है सेलिंग प्राइस के कंपैरिजन में, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ आपको कि कोई एक पर्सन है उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी रहेगी, मैंने क्या बोला है सिनेरियो, प्लीज़ समझिए, क्वेश्चन का कैटेगरी समझिए। यहाँ पे आपको जो है बोला जाएगा कि एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर जो है 25% का प्रॉफिट उसको हो रहा है, तो वहाँ पे उसकी सेलिंग प्राइस कितनी रहेगी पूछा जा सकता है, या फिर कॉस्ट प्राइस भी पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स। तो इस सिनेरियो में आप क्या करोगे, सपोज उस शॉपकीपर का 100 रुपये का कॉस्ट प्राइस है, मतलब 100 रुपये में उसने खुद के लिए वो वस्तु जो है बाय करी है, ठीक है।
सो इसके ऊपर अगर 25% का उसको प्रॉफिट हो रहा है तो आप क्या करोगे, 25% ऑफ प्रॉफिट किस चीज़ का, 100 रुपये का। क्योंकि वाई, बिकॉज यहाँ पे 100 रुपये में मैंने वो वस्तु खुद के लिए बाय करी है, उसके ऊपर मुझे 25% का प्रॉफिट चाहिए, 25% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब 25% ऑफ 100 रुपये मतलब 25 रुपये का मुझे प्रॉफिट चाहिए। मैंने खुद के लिए तो बाय करी थी 100 रुपये में और 25 रुपये मेरा यहाँ पे प्रॉफिट है, तो मैं बेचूंगी कितने में, 125 रुपये में। गॉट इट? ये सिनारियो इम्पॉर्टेंट है और एक एग्जांपल की हेल्प से बताऊंगी। फॉर एग्जांपल मेरा अभी यहाँ पे 10% का लॉस हो रहा है एंड मैं अगर आपको पूछूं कि मेरे लिए सेलिंग प्राइस कितनी रहेगी, सेलिंग प्राइस मतलब क्या दोस्तों, जिस प्राइस में मैं वस्तु को बेच रही हूँ, राइट। सो पहली बात तो मैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कंसिडर करूँगी, कोई भी कंसिडर कर सकते हो आप, एक्स कंसिडर कर सकते हो, 100 या फिर 1000, जैसे कि मैंने परसेंटेज में बताया था, अगर आप 100 लोगे तो आपको कैलकुलेशन में इजी जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कॉस्ट प्राइस अगर 100 कंसिडर करती हूँ तो इसके ऊपर मुझे 10% का लॉस हो रहा है। 10% किस चीज़ का, 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस का, मतलब ही 10% ऑफ 100 रुपये। सो 10% ऑफ 100 कितना होता है, 10 रुपये ही होता है, राइट। बट यहाँ पे लॉस हो रहा है दोस्तों, सो जब भी लॉस होता है तब आप क्या करोगे, मैंने खुद के लिए तो 100 में बाय किया था मैम, इसके ऊपर 10 रुपये का लॉस हो रहा है, मतलब आप यहाँ पे माइनस करोगे, सो आप 90 रुपीज में इसको बेचने वाले हैं, सो सेलिंग प्राइस विल बी 90 रुपीज। सो इस तरीके से आपको ये समझना चाहिए कि किस तरीके से हम इसको ढूंढ रहे हैं, ठीक है। सो यही जितने भी मैंने अभी तक आपको कॉन्सेप्ट्स बताए, यही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों। हार्डली और एक लेक्चर लगेगा प्रॉफिट एंड लॉस के लिए एंड मैं पूरे कॉन्सेप्ट्स आपके पूरे के पूरे कवर कर दूंगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। अल्फ्रेड बाइज एन ओल्ड स्कूटर फॉर ₹4,700 एंड स्पेंड ₹800 ऑन इट्स रिपेयर। इफ ही सेल्स द स्कूटर फॉर ₹5,800, फाइंड हिज गेन परसेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है वो समझो। यहाँ पे क्या बताया है कि अल्फ्रेड ने जो है एक पुरानी स्कूटर बाय करी है खुद के लिए 4,700, मतलब ये 4,700 उसका क्या हो गया दोस्तों, दिस इज हिज कॉस्ट प्राइस, उसने खुद के लिए बाय करा है, कॉस्ट प्राइस 4,700 में एक्स्ट्रा के उसने और 800 रुपये खर्च करे है स्कूटर को रिपेयर करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे देखना, आपने आर्टिकल तो 7,400 में बाय करा है नो डाउट, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा का 800 रुपये भी आपने लगाया है, मतलब आपके पॉकेट में से और पैसा जा रहा है उसी आर्टिकल के ऊपर, उसी वस्तु के ऊपर, तो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड हो जाता है। मतलब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना था, 4,700 प्लस एक्स्ट्रा का 800, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसकी कीमत ऐड हो जाएगी उस आर्टिकल के ऊपर। आप कोई भी रिपेयर कर रहे हो या फिर कुछ भी मॉडिफाई कर रहे हो तो वो आपके कॉस्ट प्राइस में ही जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे अच्छी खासी स्कूटर जो थी सेकेंड हैंड, वो आपने बना दी है 5,500 में टोटल, ठीक है। सो आपका कॉस्ट प्राइस कितना गया, 5,500 गया, ये बात समझो प्लीज, ठीक है। 4,700 इज नॉट योर कॉस्ट प्राइस, वाई, बिकॉज एक्स्ट्रा के 800 रुपये मैंने इसके ऊपर खर्चा है। और अगर मैं बोलूँ और 200 रुपये अगर मैंने इसके ऊपर स्कूटर के ऊपर रिपेयर के लिए अगर कुछ हेडलाइट वगैरह लगाई है तो आप क्या करोगे, इसके अंदर और 200 ऐड कर दोगे, वाई, बिकॉज 200 रुपये रिपेयर के लिए चले गए ना बेसिकली, तो उसके अंदर वो ऐड हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा अल्टीमेट कॉस्ट प्राइस कितना आया है, 5,500। आगे देखना, अभी वो उसने स्कूटर को बेचा है, सेलिंग प्राइस जो यहाँ पे उन्होंने बताई है दैट इज 5,800। आपको क्लियर कट दिख रहा है, उसने 5,500 पूरा उसके पॉकेट में से लगाया उस स्कूटर के ऊपर, बेचा है 5,800, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, गेन हो रहा है। तो कितने का गेन हो रहा है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर दो, 5,800 में से जब मैं 5,500 माइनस आउट कर दूं तो मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा, 300 रुपये। सो यहाँ पे गेन कितने का है, 300 रुपये का गेन है, दिस इज योर गेन, गॉट इट, ये आपका गेन हो गया। बट यहाँ पे आपको गेन पूछा है क्या, नहीं, गेन परसेंटेज पूछा है। अभी हमने गेन परसेंटेज के लिए या फिर प्रॉफिट परसेंटेज, देखो गेन या फिर प्रॉफिट मतलब सेम ही वर्ड है, ठीक है। सो गेन परसेंट अगर ढूंढना है या फिर प्रॉफिट परसेंट ढूंढना है, फॉर्मूला अभी हमने देखा था क्या था, गेन या फिर प्रॉफिट
डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, राइट। सो यहाँ पे गेन कितना है 300 रुपये, कॉस्ट प्राइस कितना है 5,500 रुपये, करेक्ट, इनटू 100। सो सॉल्व करने के बाद आपको जो यहाँ पे आंसर मिलने वाला है, लुक हियर, 00 गॉट कैंसल्ड, 300 डिवाइडेड बाय 55। अगर सॉल्व नहीं करने आता है तो सिंपली 5 से डिवाइड करके देखो, 5 6 30, 0 5 1 5 5 1 5, सो ये हो गया 11, करेक्ट। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 11 5 55, और ऊपर के कितना बचा है 5, सो 5 5 बाय 11% मिक्स फ्रैक्शन में, ऐसा आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, गॉट इट। सो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है इस तरीके से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और इसी कैटेगरी के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखेंगे, नॉट द डिफिकल्टी लेवल, ज़्यादा मॉडरेट लेवल तक के हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स, इफ द प्रॉफिट इज 25% देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज व्हाट। अभी ये कैटेगरी थोड़ी फेमस है, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। जैसे कि यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपको क्या बताया, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, देखना कॉस्ट प्राइस किस चीज का, 20 आर्टिकल का, किसके बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स, गॉट इट, ओके। सो यहाँ पे एक चीज़ देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंसिडर करूँ कि एक आर्टिकल अगर मैं बेचना स्टार्ट करती हूँ, एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस मेरे लिए जो है अगर वो 1 रुपया है, अभी 1 रुपया क्यों कंसिडर करना है मैम, क्योंकि यहाँ पे इजी जाएगा, अगर कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल की 1 रुपये है तो एक्स आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी रहेगी, एक आर्टिकल की कीमत अगर 1 रुपया है तो एक्स आर्टिकल की कितनी होगी, एक्स इंटू 1 रहेगी, मतलब एक्स रुपीज ही रहेगी। डज एवरीवन अग्री विद दिस फैक्ट, यस। तो यहाँ पे देखना, ये चीज़ अगर आपको समझ आई तो आगे तो बहुत इजी है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बताया है, सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, सो एक आर्टिकल की कीमत कितनी है 1 रुपये, तो 20 आर्टिकल के लिए मैं 20 रुपये लिख सकती हूँ, यस और नो। स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ पे मेंशन करा है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मुझे अभी जस्ट नाउ पता चला कि मैम एक आर्टिकल की कीमत 1 रुपया है तो 20 आर्टिकल के लिए कितनी कीमत रहेगी, 20 रुपया रहेगी। सो 20 रुपया किसके बराबर आएगा, आगे की स्टेटमेंट देखो, सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल, तो एस पी ऑफ एक्स आर्टिकल, यही चीज़ मैंने नीचे लिखी है, नथिंग इज़ डिफरेंट, यही चीज़ मैंने यहाँ पे नीचे लिखी है कि सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल इज इक्वल टू ₹20। सो यहाँ पे दोस्तों अगर सेलिंग प्राइस हमें मिल चुकी है तो क्या हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, जी हाँ, प्रॉफिट कितना आएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, हमारे लिए सेलिंग प्राइस कितनी आई है 20, कॉस्ट प्राइस कितनी है दोस्तों ₹x। सो यहाँ पे प्रॉफिट कितना आया 20 माइनस x, तो अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट 20 माइनस एक्स है, डिवाइडेड बाय एक्स इज योर कॉस्ट प्राइस, अभी मैं यहाँ पे क्या निकालूंगी, प्रॉफिट परसेंट। सो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या था देखना, या एक बार रिपीट करती हूँ, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, मुझे मिला था प्रॉफिट, अब मैं निकाल रही हूँ प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए फॉर्मूला पता है, सो मेरे पास प्रॉफिट भी है, कॉस्ट प्राइस भी है, वही मैंने इस फॉर्मूला में पुट डाउन करने के बाद मुझे ये चीज़ मिली। सो बाद में ये किसके बराबर आएगा देखना दोस्तों, 100 इंटू 20 कर दो, ये जो 100 है इंटू 20 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स कर दो, ये किसके बराबर आएगा, 25 के बराबर आएगा। डज एवरीवन अग्री विद दिस, वाई, ये समझना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दिया है दोस्तों 25%, इसीलिए 25% लिया। सो आपका कैलकुलेशन कितना आएगा, दिस विल बी इक्वल टू, देखना अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ, तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 2000, यस करेक्ट, 2000 माइनस 100x, ये किसके बराबर आएगा, 25x के बराबर आएगा। सो 2000 इज इक्वल टू 25x प्लस 100x,
सो दिस इज इक्वल टू 125x 2000, राइट. सो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, 2000 डिवाइडेड बाय 125, सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 16. सो इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है. अगर इस क्वेश्चन में कहीं पे भी कभी भी डाउट आपको आ रहा है तो आप पर्सनली मुझे टेक्स्ट करके आराम से पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में प्रिंट डाउन करके पूछ लो. दिस इज वन मोर क्वेश्चन, ये आपको सॉल्व करना है एज अ होमवर्क, जहाँ पे शॉपकीपर एक आर्टिकल बेच रहा है बट उसको यहाँ पे लॉस हो रहा है. दोस्तों मैंने आपको चार फॉर्मूलेज बताए थे, मुझे जस्ट चेक करना है उसकी क्लैरिटी आपको मिली है या नहीं मिली है. सो शॉपकीपर जब भी लॉस फेस करता है उसके दो अलग फॉर्मूलेज बताए, जब प्रॉफिट फेस करता है उसके दो अलग फॉर्मूलेज मैंने बताए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इस चीज़ को सॉल्व करना है और उसका आंसर मुझे पिन डाउन करके कमेंट सेक्शन में बताना है. कल के लेक्चर में प्रॉफिट एंड लॉस का मैं और एक लेक्चर शेयर करूँगी रिकॉर्डेड, ठीक है. वहाँ पर भी कुछ अगर आपको डाउट आता है तो प्लीज़ ज़रूर पर्सनली पूछ लीजिए. सो ये मैक्सिमम टाइम में हमें मैक्सिमम टॉपिक्स यहाँ पर कवर करवाने हैं, ठीक है. और कल से जो है स्टूडेंट्स हमारा DI डेटा इंटरप्रिटेशन यूनिट जो है स्टार्ट होने वाला है, सो उसका टाइमिंग भी मैं आपको बता देती हूँ. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़रूर इसको लाइक करें एंड कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, बाय.